हर घर तिरंगा क्यों लहराना चाहते हैं मोदी, जानेंगे तो मोदी को दिल से सैल्यूट करेंगे। क्या है हर घर तिरंगा अभियान के पीछे का प्लान, जानकर आप भी करेंगे देश तिरंगे और मोदी पर अभिमान। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, तब से हर किसी के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि सरकार इस अभियान से क्या हासिल करेगी। खास तौर पर कई विपक्षी दलों के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज अभियान से हमें क्या मिलेगा। जाहिर है इन सब को सुनकर आपके मन में भी ये सवाल आ ही गया होगा। तो चलिए आपके मन में आ रहे इन सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। हर घर तिरंगा क्यों लहराना चाहते हैं मोदी, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ इस अभियान के पीछे की प्लानिंग से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आज की सबसे ताजा अपडेट से शुरुआत करते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अपडेट में आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत ट्विटर पर अपने प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर की जगह प्रोफाइल में तिरंगे की तस्वीर लगाई है। हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से भी 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे का उपयोग करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 91वें संस्करण को संबोधित किया और भारत के नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक विशेष आंदोलन हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया अकाउंट्स में तिरंगा को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करें। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के 75 साल और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ये महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उनके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी है। अब आपको समझाते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के पीछे मोदी का प्लान क्या है। दरअसल पीएम मोदी इस अभियान के तहत देश के बच्चे बच्चे में देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना चाहते हैं। जब 1.7 करोड़ लोग आजादी का 75वां जश्न मना रहे होंगे और अपने अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें देश प्रेम की अलख जाग उठेगी। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत आने वाले वक्त में ऐसा सुपर पावर देश बने जिसके आगे कोई दूसरा देश न टिक पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब देश के हर नागरिक में देश प्रेम की भावना सबसे ऊपर हो। हर भारतीय के लिए अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे बाद में हो, लेकिन देश पहले हो। जब हर घर में सुबह शाम उठते बैठते परिवार के हर सदस्य को तिरंगा दिखेगा, तो अपने आप वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने लगेंगे। जिस तरह से अमेरिका जैसा देश भी अमेरिका फर्स्ट का नारा देता है, उसका यही मतलब होता है कि हर अमेरिकी के लिए सबसे पहले उसका देश है, और इसी वजह से अमेरिका आज एक महाशक्ति बन पाया है। पीएम मोदी भी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से वो हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगा लहराना चाहते हैं और हर दिल में देश प्रेम की अलख जगाना चाहते हैं। अगर आप पीएम मोदी के इस अभियान के साथ हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।